एबीपीएस न्यूज सच का साथी। पीपीएड संगठन ने एक आंदोलन करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 10 साल के लंबे आंदोलन के चलते पूर्ववर्ती सरकार ने शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के महत्व को देखते हुए प्रदेश के 32,022 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7,000 रुपए की मासिक संविदा के तहत ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 19 सितंबर 2016 को निकाला था, जिसके सापेक्ष प्रदेश के 1.5 लाख पीपीएड पदाधिकारकों ने आवेदन किया था, लेकिन इस बीच सत्ता परिवर्तन होने के बाद उक्त भर्ती पर ग्रहण लग गया। योगी सरकार ने हमारी सभी भर्तियों की समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को रोक लगा दी और अधिकारियों से मिलकर वार्ता की जा चुकी है, और इसके साथ साथ बार बार यही आश्वासन दिया जाता रहा है कि जल्दी ही आपकी भर्ती प्रक्रिया बहाल कर दी जाएगी। जब सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हुई तो सभी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और बाध्य हुए, और राज्य सरकार उस आदेश को न मानते हुए बेरोजगारों के खिलाफ माननीय न्यायालय के डबल बेंच में चली गई, जहां पर 12 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को वैध बताया गया। आपको बताते चलें कि इस समय जहां एक तरफ शिक्षा मित्र आंदोलन की कगार पर हैं, तो वहीं पीपीएड के लोग भी अब आंदोलन पर चले गए हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो सरकार नौकरी देने के बजाय लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने में ज्यादा व्यस्त करने में लगी है, ताकि लोग इसी चक्कर में भटकते रहे और आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने, ताकि नई सरकारें और नई पार्टियां उन्हें अपने प्रलोभन देकर आगे बढ़ती रहें, लेकिन ये लोग बेरोजगारी को अपना धर्म मानते रहें और रोजगार के लिए तरसते रहें। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।